देहरादून राजपुर रोड में विहिजल लैब के नाम से एक फैक्ट्री है जिसकी खुद उसी नाले को घेरकर पूरे नाले में अपने स्टाफ को मकान तक बनाकर दिए हैं। उसी नाले के दूसरी तरफ हुकुम सिंह नेगी जी का मकान है जो कि एक सीधे साधे सरकारी कर्मचारी हैं और अपने परिवार के साथ वहां पर रहते हैं। अपने घर को गिरने से बचाने के लिए, किसी भी तरह जानमाल के खतरे से बचाने के लिए नाले के पुस्ते को ठीक कराकर अपने घर को बचाना चाहते हैं क्योंकि उनका पुस्ता टूटने की हालत में है, परंतु फैक्ट्री मालिक ने नाले को काम करने को अपने पत्नी द्वारा मना करा दिया गया है, जिसका नाले का कोई मतलब नहीं है। उसने खुद अपने से आधे नाले का ज़्यादा निर्माण नाले में ही किया हुआ है। नेगी जी का कहना है कि अगर मेरा घर गिर जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या फैक्ट्री का मालिक इसकी जिम्मेदारी लेगा? नहीं, जो सरकारी नाले पर अपना हक जता रहा है वो क्या जिम्मेदारी लेगा? बस अपने रसूख की वजह से एक आम आदमी को परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। नेगी जी ने यह मामला राजपुर पार्षद श्री कमल थापा जी के संज्ञान में भी डाल दिया है और नेगी जी ने आह्वान उन सभी अधिकारियों से की है जो इस तरह के काम करने से रोकने की कोशिश करें। कृपा करके इस मामले पर उचित कार्रवाई करें जिससे पीड़ित को और उसके परिवार को किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो और वे अपना पुस्ता टूटने से पहले या नुकसान होने से पहले ठीक करा लें और किसी भी तरह जान माल के खतरे से अपने परिवार व अन्य किसी भी नुकसान होने से बचा सकें। यूपी उत्तराखंड न्यूज़ 24/7 के लिए आप देख रहे थे देहरादून से नदीम अहमद की खास रिपोर्ट। हम लोग कई दफ़े ये सूचना अपने पार्षद महोदय को भी बता चुके हैं कि बरसात इस साल बहुत ही ज़्यादा है और पहले से भी हमारे मकान में जो दरारें आ रखी थी, हमने कई दफ़े अपने पार्षद महोदय को बताया कि भाई हम कोलम पीछे कोलम नहीं है, हमारे खाली पुस्ते हुए मकान है तो हम अपना कोलम देना चाह रहे हैं, लेकिन कोलम देने के साथ साथ अब नाले में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है पीछे, तो कहते हैं कि नहीं नाले ना हम पीछे से हम कोलम नहीं देने देंगे, तो ये इसलिए हमने निगम से अपने पार्षदों से बात की है। उन्होंने कहा आप कोलम दीजिए, कोई ऐतराज़ करता है तो आप हमें फ़ोन करिए और आप अपने घर की सुरक्षा करिए, अगर हमारा घर गिरता है और ये लोग बीच में हमारे काम में अड़ंगा डालते हैं या कोई किसी चीज़ की बाधा डालते हैं तो हम जो है इसके लिए निगम से संपर्क करेंगे और इन लोगों की शिकायत निगम से करेंगे कि इन लोगों ने जो है सारे इधर अतिक्रमण किया हुआ है और नाजायज तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे के मकान को पानी का जो है बहाव दूसरे के मकान की तरफ कर रहे हैं। जब बरसात तेज होती है तो राजपुर रोड का सारा पानी जो है इधर ही से निकलता है, हम नाले उसमें बना के पानी निकलने की जगह बना के अपने मकान की सुरक्षा कर रहे हैं।